सीधा रुख कर रहे हैं इस वक्त हम नागपुर का। आज दशहरे के मौके पर संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। और भविष्य इस तकनीकी के कारण कई प्रकार की नई सुविधाएं लेके आएगा। आज तक विज्ञान कई प्रकार की सुविधाएं लेकर आया है, तो मनुष्य जीवन भौतिक दृष्टि से पहले से सुखी है, परंतु हम देखते हैं कि इतने प्रगत सुखी मानव समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं। इसराइल के साथ हमास का जो युद्ध छिड़ा वो अब कितना व्यापक होगा और उसकी आग में कौन कौन झुलसेंगे और दुनिया पर इससे कौन सा संकट आएगा, इसकी चिंता सबको लगी है। तो परिस्थिति के दोनों पहलू होते हैं। अपने देश का जब विचार करते तब भी अपना देश आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अतिथि महोदय ने वर्णन कर दिया है, बहुत नपे तुले शब्दों में पूरा चित्र आपके सामने आया है। ऐसे सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है, समाज की समझदारी भी धीरे धीरे बन रही है। उसके परिणाम स्वरूप हम ऐसा देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। इसका ही परिणाम हम देखते हैं सारे दुनिया में, भारत की साख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा विचार सबको स्वीकार्य है, हमारा योग सारी दुनिया में एक फैशन बनते जा रहा है। लेकिन केवल फैशन नहीं बन रहा है, उसका जो शास्त्र है, उसकी जो परिणाम है, उसको भी दुनिया स्वीकार कर रही है। पर्यावरण के बारे में हमारी अपनी जो दृष्टि है वो आज सारी दुनिया में स्वीकार्य है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का सामरिक बल बना है, कई मामलों में देश आगे जा रहा है। और आगे ले जाने का प्रयास शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, देश के युवकों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, किसानों के द्वारा, जवानों के द्वारा, सबके द्वारा हो रहा है। विशेषकर युवा पीढ़ी में हम देखते हैं कि स्व के गौरव की भावना बढ़ रही है, अपने देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छे लक्षण है। और ये चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ये किसी तात्कालिक समय के वैशिष्ट्य के नाते खड़े हैं। ये करवट बदली है भारत के समाज में, और समाज आगे बढ़ेगा, देश को आगे ले जाएगा, इसका पूर्ण विश्वास है। परंतु जीवन का मार्ग कभी निष्कंटक नहीं होता, और इसलिए कुछ चुनौतियां भी सामने है। विजयादशमी के भाषण में इन दोनों बातों की चर्चा होती है, परंतु चूंकि देश की आगे कुछ चलती रहेगी ये विश्वास है, उस तरफ देश ने रुख कर लिया है और देश आगे ही बढ़ेगा, उसकी चर्चा इस भाषण में आज मैं कम करने वाला हूं। एक चुनौती ऐसी ध्यान में आती है जिसका विचार हम सबको करना चाहिए, क्योंकि वो केवल हमारे सामने यानी संघ के सामने चुनौती नहीं है, केवल हिंदू समाज के सामने नहीं है, केवल भारतवर्ष के भी सामने नहीं है, पूरे दुनिया में वो चुनौती उठ रही है। उसको हमको समझना होगा, क्योंकि बहुत मायावी रूप धारण करके वह चुनौती आगे चलती है। इसलिए उसकी चर्चा करना मुझे आवश्यक लगता है। भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत आगे न बढ़े ऐसा चाहने वाली शक्तियां भी दुनिया में है, जिनके निहित स्वार्थ मार खाते हैं भारत के प्रमुखत्व के कारण। वो अपेक्षा तो यही है कि उनका विरोध होगा, तरह तरह की चाले वो चलेंगे, भारत को दबाने का, एक विशिष्ट मर्यादा के अंदर ही बढ़ने देने का प्रयास करेंगे। वैसा हो भी रहा है, क्योंकि आखिर अभी तक भारत छोड़कर बाकी विश्व ने
अपने स्वार्थ की बलि देकर भी दुनिया को बड़ा करने का मार्ग पकड़ा नहीं है। हम ये करते हैं, आज भी कर रहे हैं, सबको मदद करते हैं। हमारी शत्रुता करने वालों को भी आवश्यकता में मदद करने वाले हम हैं। शांति रहे इसलिए अपने हितों का बलिदान भी हमने कई बार किया है और करते हैं। ऐसा स्वभाव दुनिया में नहीं है और इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है या कोई भी देश आगे बढ़ रहा है, कल चल के हमारा स्पर्धक बनेगा ऐसा डर जिनको लगता है, वो उस देश में तरह तरह के उत्पाद करने में कम नहीं करते। भाषा तो विश्व बंधुत्व की होती है, परंतु वो वहां तक ही है। अपने निहित स्वार्थ ठीक रहने चाहिए, अपनी सुरक्षा को धक्का नहीं लगना चाहिए। और इसलिए दूसरे देशों में कई प्रकार के उत्पाद खड़े करना, जनतांत्रिक तरीके से वहां कोई सरकार चुनके कारोबार कर रही उसको नीचे लाना, ऐसा दुनिया में चलते रहता है। ये दुनिया की रीति लगभग बन गई है, जो नहीं बननी चाहिए लेकिन है। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपंथ की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक विश्व भर के उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे यह ध्यान में आता है और यह ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों के हित की बात है? ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो ये इच्छा है, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ की दुकान तो बंद हो जाएंगे और इसलिए भारत का ये सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं, डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था, कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अपने यहां है, बहुत पहले से है।
क्योंकि केवल भारत नहीं, सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध ये विचार जाता है। परंपरा से दुनिया में कहीं भी कोई भी समाज जीवन में जो मंगल है भद्र है ऐसा मानता है उसको ध्वस्त करना ये इनके कार्य प्रणाली का अंग है। और ये करने के लिए पहले पहला सूत्र उनका होता है इन्वेड द इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं को कब्जे में लो। शिक्षा संस्थान है, विद्यापीठ है, शिक्षा व्यवस्था है, माध्यम है, बौद्धिक जगत है, इन सब पर अपनी पकड़ कायम करके उनके द्वारा समाज में विचारों की विकृति का प्रसार करना, विचारों को बिगाड़ना, अपनी परंपरा के प्रति अपने स्वत्व के प्रति अश्रद्धा से उत्पन्न करना। हम ही अपने लोगों को गाली दें, हम ही अपने बातों को तुच्छ माने, उनकी लज्जा करें, इस प्रकार का वातावरण पैदा करना। इतना बड़ा समाज है, उसकी कई विविधताएं हैं, उन विविधताओं को अलग नहीं है, वहां कोई जबरदस्ती विविध सुधारने का भी बहुत कुछ होता है, तो कई अन्याय चलते रहने वाले रहते। इन सबको लेकर एक असंतोष उत्पन्न, इससे उस देश और ऐसी प्रजातांत्रिक देश है अपना, अनेक दल रहेंगे, उनकी स्पर्धा चलेगी, प्रजातंत्र की पद्धति। लेकिन समाज में ये अलगाव टकराव की एक का पक्ष लेके उनके पीछे खड़ा रहना, खुद मैदान में नहीं आना। अल्टरनेट पॉलिटिक्स पाश्चात्य जगत के अनेक प्रगत देशों समय पर हमको जागना है। हमारा देश सांस्कृतिक एकात्मता के अधिष्ठान पताओं ने भी अन्य और नैतिक विचारों का अध्यात्म के सत्य एक बलशाली अधिष्ठान हमारे समाज की स्थिरता को आपस के संबंधों को व्यक्तिगत और राष्ट्रीय व्यवहार को मिला है। इन आधारों को नष्ट करने के प्रयासों को समय के पूर्व हमको रोकना पड़ेगा, ऐसा राष्ट्रीय नैरेटिव चलाना पड़ेगा, उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। कानून संविधान की मर्यादा में का उपयोग होगा, इन विभेदकारी को पुष्ट करता है और वो भी संस्कारों के क्षरण का कारण बनती है। और हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में कुप्रभाव निर्माण हो रहा है। मीडिया सर्वत्र पहुंचता है, बड़ों के
साथ बच्चों के हाथ में भी मोबाइल देख रहे हैं, उनको क्या दिखाया जा रहा है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। घर में क्या देखना नहीं देखना इस पर चल रहा है। घर परिवारों में ये नियंत्रण स्थापित करना और अपनी विधि व्यवस्था में आवश्यकता है, क्योंकि इन संस्कारता के कई प्रकार के कुपरिणाम है। ये विवेक न होने के कारण कई जगह नई पीढ़ी नशीली दवाओं की आदतों में कहीं कहीं पर ऐसा भी हो गया है कि कोई नशीली दवा जो नहीं लेता उसको पिछड़ा माना जाता है, इस प्रकार का वातावरण भी उत्पन्न हो रहा है। और हम देखते हैं कि हमारे देश की परंपरा क्या है, हमारा देश कैसा है। एक द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगा, महाभारत हो गया। एक सीता का हरण हो गया, रामायण हो गया। यहां पर कैसी घटनाएं घट रही है। अब कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना, और ये एक नहीं है। घटनाएं होती है, उसका नियंत्रण वगैरह करना, जैसे वहां खड़े हो गए समाज के सब लोग डॉक्टर लोगों के साथ, घटना होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति पहली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है उसके ये परिणाम है। हमारी सांस्कृतिक देन है ये दृष्टि, जो कहती है मातृवत परदारेश, पराई स्त्री माता समान है। जिनसे प्रबोधन प्राप्त होता है परिवार में, अपने परिवार के जनों से प्राप्त होता है, और माध्यमों के द्वारा जाने अनजाने समाज इनसे ग्रहण करता है। वहां यह भान रहना चाहिए कि हम क्या परोस रहे। वहां अगर इसका भान नहीं रहा, इन मूल्यों का तिरस्कार हुआ, अपेक्षा ये उपेक्षा हो गई, तो फिर वो महंगा पड़ेगा। और इसलिए वहां पर इसका भान रहे और मूल्यों का प्रबोधन हो, इसके लिए हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये जो परिस्थिति सारी चल रही है उसमें हम देखते हैं कि सारे खतरे संस्कार भ्रष्टता के कारण और आपस में अलगाव की हवा बहती है उसमें बह जाने के कारण देश में सर्वत्र आप देखिए, सीमा से लगे पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, समुद्री सीमा पर केरल है, तमिलनाडु है, और बिहार से मणिपुर तक पूरा पूर्वांचल है अस्वस्थ है। मूल कारण यही है, इन प्रदेशों में ये सारी परिस्थिति उपस्थित है। और फिर ये भी हम देखते हैं
कि कट्टरपन को उकसाकर उपद्रव किए जाते हैं, ये भी परिस्थिति है। बहुत सारे असंतोष के कारण इतने बड़े समाज में हो सकते हैं। ट्रैफिक जाम हो गया तो वो भी असंतोष का कारण बनता है। असंतोष को व्यक्त करने के रास्ते भी हमारे संविधान ने बताए। प्रजातांत्रिक रीति से हमको जो अच्छा नहीं लगता उसका विरोध हम कर सकते हैं, करना भी चाहिए। अगर अपने को अच्छा नहीं लगता चुप रहो, ऐसा कोई नहीं कह सकता, परंतु उसके एक पद्धति है, उसका पालन होना चाहिए। उसको ताक पर रखकर कानून संविधान को छोड़ते हुए कहीं किसी ने कुछ किया, पूरे समाज को जिम्मेवार मानकर ये जो उपद्रव होते हैं इसको असंतोष के जगह गुंडागर्दी करना ज्यादा अच्छा है। ये गुंडागर्दी होती है और कहीं कहीं ये हो जाती है समाज के कट्टर स्वभाव के कारण, अथवा कहीं कहीं इसको कराया जाता है, कभी कभी समाज करता नहीं, उपद्रव करने वाले आके करके चले जाते हैं। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर साहब ने इसी के प्रति हमको सचेत किया था। संविधान समिति ने जब संविधान अर्पण किया, संसद में बाबा साहब के दो भाषण हुए, उसमें एक में उन्होंने उल्लेख किया है इन बातों को। उन्होंने ग्रामर ऑफ अनार्की, अराजकता का व्याकरण कहा है। अब यह इशारा हमको मिल चुका है, हम लेकिन ऐसा करते हैं। अभी गणेश उत्सव के और पथराव विसर्जन के जुलूसों पर हुआ, क्यों हुआ? कोई कारण नहीं था। ऐसी बातों का नियंत्रण त्वरित करना प्रशासन का काम है, कहीं करते हैं कहीं थोड़ी ढिलाई भी दिखती है, परंतु प्रशासन आते तक तो समाज को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है, गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है, और गुंडागर्दी किसी की भी हो वो क्षम्य नहीं है। अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। बातें प्रशासन को पुलिस को करनी है, उनको ही करनी देनी चाहिए। उनके आते तक अपने प्राण को बचाना, अपनों के प्राणों को बचाना ये अपना अधिकार है। उसके लिए समाज को सजग रहना पड़ेगा। सजगता से होगा ही नहीं, हो गया तो सन्नद्ध भी रहना पड़ सकता है। मैं वर्णन सारा किसी को लड़ाने के लिए नहीं कर रहा हूं, डराने के लिए भी नहीं कर रहा हूं। ये परिस्थिति है, दूसरी भी है, अच्छी परिस्थिति भी है, अच्छी बातें भी हो रही। हमको इस परिस्थिति में से जाना है, और इसलिए क्योंकि हम सबकी इच्छा है अपना देश एकात्म हो, सारे झगड़े समाप्त हो, अपना देश बड़ा बने, सबकी इच्छा है, सबका कर्तव्य भी है। और इसलिए समाज की एक विशिष्ट प्रकार की स्थिति चाहिए, विशिष्ट दिशा में प्रयासों की आवश्यकता रहती है। समाज स्वयं जगता है, अपना पुरुषार्थ करता है, तब महापुरुष, संगठन, संस्थाएं, प्रशासन, शासन ये सब सहायकारी होते हैं। समाज की स्वस्थ स्थिति से सारे उपद्रव टल जाते हैं। जैसे इम्यूनिटी कम होने के बाद रोग आते हैं, स्वस्थ अवस्था शरीर की ढलती है, बीमारियां बाद में घेरती है, और बीमारियां भी स्वस्थता को नष्ट करती है। और इसलिए यह स्वस्थ अवस्था समाज की सशक्त अवस्था यानी समाज की संगठित अवस्था है। समाज को सशक्त रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, क्योंकि दुर्बलों की परवाह देव भी नहीं कहते करते। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च, बलि किसकी देनी यज्ञ में चर्चा हुई, कहते हैं क्या घोड़े की? नहीं, वो तो लात मारेगा। हाथी? नहीं, बहुत बड़ा है। शेर? नहीं बाबा, वो तो बिल्कुल नहीं। फिर किसको? तो बकरे को काटो, कुछ नहीं कर सकता। देवो दुर्बल घातकम्। और इसलिए इस स्वस्थता को, संगठित को उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण समाज में कुछ विषय हम शताब्दी वर्ष के पश्चात ले जाएंगे। अभी 125 साल शुरू हुआ है, वो पूरा होगा 1925 में।
उसके बाद साल भर शताब्दी वर्ष का कुछ चलेगा, उसके बाद समाज में हम विषय लेने जाने वाले हैं। समाज के स्वस्थ स्थिति की पहली शर्त है सामाजिक समरसता और सद्भावना, इसके बिना संगठन संभव नहीं। और इसलिए इन बातों को ले जाना है, लेकिन ये बात ले जानी है ना, कार्यक्रम ले जाने से नहीं होता। कुछ प्रतीकात्मक कार्यक्रम कर लिए तो समरसता सद्भावना नहीं आती है। व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर काम करना पड़ता है। समाज के सभी वर्गों में व्यक्तियों की और कुटुंबों की मित्रता होनी चाहिए। मैं जितने दायरे में घूमता हूं, फिर काम करता हूं, वहां के सब प्रकार के रहने वालों में मेरे मित्र होने चाहिए। मेरे परिवार के मित्र कुटुंब वहां सब प्रकार के रहने वालों में होने चाहिए। भाषा विविध है, पंथ संप्रदाय विविध है, खान पान रीति रिवाज सब अलग अलग होने के बाद भी ये कुटुंबों की और व्यक्तियों की मित्रता यही समाज में समरसता लाती है।